तमाम लोगों से अपील है, हमारे साथ धोखा हुआ है और धोखा यासर शामी ने किया है, और हमें हमने उसी वक्त जब आमिर बेटा रो रहा था तो मैंने उसी वक्त कॉल करके उसे ये सारा कुछ बता दिया था कि ये यासर शामी ने किया है, और उन्होंने आकर तुबा बुशरा का नाम लिया है कि इसने उनको भी ऐसे जलील किया था, ये बहुत गंदा बंदा है, बहुत खराब बंदा है, आपने भी अपनी बच्ची इसको नहीं देनी, आपकी बच्ची को बर्बाद कर देगा। तो इसने आके यहाँ पे इंटरव्यू लिया तो हम इसकी मिन्ते करते रहे, जैसे इसने वीडियो दिखाई हमने बोला कि बच्चा आपने ये अपना वीडियो नहीं लीक करनी, नहीं लीक करनी, आप यहाँ से इंटरव्यू लेके जा रहे हैं, लेकिन इस बंदे ने वीडियो लीक कर दी। लेकिन हमने आमिर बेटे को बताया, उसने मुझे कसम दे दी कि आपको मेरे सर की कसम, अगर अम्मी आपने ये मीडिया में बोला यासर शामी का नाम तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। तो इसलिए हमने नहीं ये पहले बात उठाई, तो आमिर बेटे को सबने ये मिल के ना एक गैंग था जो उसको कत्ल कर दिएगा। तो मेरी सबसे अपील है कि हमारा साथ है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, जो ईमान वाले लोग हैं, और मैं गरीब औरत हूँ और अकेली औरत, अकेली औरत ये सारा कुछ सर पे लिया हुआ है, मेरी बच्ची की मासूम है 18 साल की उम्र में बेवा हो गई, इतनी बदनामियां उसके ऊपर लग गई और ये सारा कुछ नजायज लग गया, और इन औरतों की वजह से, और ये भी यासर शामी उनकी तरफ से आया हुआ था और हमें नहीं पता था कि ये उनकी तरफ से आया है, और इन्होंने गैंग बनाया हुआ है, इन्होंने सब ने मिलके बच्ची को बदनाम किया है। जी मेरी मदद करें।